Good morning. Myself Dr. धर्मेंद्र कुमार जैन, मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारह में प्रवक्ता सिलेक्शन स्केल के पद पर कार्यरत हूँ। टीटीसी एलआरडीसी द्वारा जो ई वीडियो श्रृंखला आरंभ की गई है, उस ई वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोलिक्स पंप्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक्स मशीन्स की जब हम बात करते हैं तो हम हाइड्रोलिक्स मशीन्स को दो मेजर कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वे मशीन्स हैं जिन्हें हम हाइड्रोलिक टर्बाइन कहते हैं, जो वाटर के पास अवेलेबल प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या यूं कहें कि इससे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और इस मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से हम जनरेटर का उपयोग करते हुए इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस कंप्लीट सिस्टम को हम हाइड्रो पावर जनरेशन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोलिक पावर प्लांट के माध्यम से पावर को जनरेट किया जाता है और टर्बाइन के माध्यम से हम वाटर के पास अवेलेबल प्रेशर हेड को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हाइड्रोलिक टर्बाइन के आउटलेट पर हमें मिलती है, और टर्बाइन के आउटलेट पर मिलने वाली मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर के इनपुट के रूप में यूज करते हैं। टर्बाइन की शाफ्ट को जनरेटर की शाफ्ट से कपल कर देते हैं, जिससे टर्बाइन के आउटलेट पर मिलने वाली मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर की इनलेट एनर्जी के रूप में या इनलेट के रूप में काम करती है। दूसरे प्रकार की मशीन की हम बात करें तो इन मशीन्स को हम हाइड्रोलिक पंप्स कहते हैं, और ये हाइड्रोलिक टर्बाइन से बिल्कुल रिवर्स प्रिंसिपल पर काम करते हैं। क्योंकि हाइड्रोलिक टर्बाइन के माध्यम से हम पानी के पास उपलब्ध जो हेड है, जिसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं, उससे हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि पंप के माध्यम से हम काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पंप के इनपुट के रूप में काइनेटिक एनर्जी होगी, जबकि आउटपुट के रूप में हमें हेड प्रेशर हेड मिलेगा। यदि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स की बात करें तो पंप्स को हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम केवल रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग पंप से कितना डिस्चार्ज हमें मिलेगा, कितना प्रेशर होगा, कितनी पावर होगी, इसके अलावा रेसिप्रोकेटिंग पंप के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिनका हम उपयोग कर पाएंगे, उसकी बात आज हम यहाँ इस लेक्चर में करेंगे। तो जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स की अगर बात करें तो पंप्स के क्लासिफिकेशन की हम बात कर सकते हैं, और पंप के क्लासिफिकेशन में हम पंप को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे पहली कैटेगरी होती है हाइड्रोस्टेटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, और दूसरी को हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक पंप्स। यदि हम हाइड्रोस्टेटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, रोटरी पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसी प्रकार से यदि हम हाइड्रोडायनेमिक पंप्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल फ्लो पंप। वैसे तो आज के इस लेक्चर में हम केवल रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करेंगे, लेकिन पंप का क्लासिफिकेशन की भी जानकारी जरूरी होती है। अब यदि हम पंप को ब्रॉडवे में क्लासिफाई करें तो हम कह सकते हैं कि दो कैटेगरी होती है, एक हम रोटोडायनेमिक पंप्स कहते हैं और दूसरे प्रकार के पंप को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। जितने भी रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं या जितने भी रोटरी पंप हैं, वो सब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के रूप में जाने जाते हैं। और रोटोडायनेमिक पंप्स की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम इनको हेड के बिहा पर क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी पंप से काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हेड बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और जब पंप की डिजाइन की जाती है तो वो हेड के बिहा पर की जाती है। तो हम इनको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड पंप्स। फिर हम लो हेड पंप की हम बात करें तो जितने भी एक्सियल पंप्स हैं, जो प्रोपेलर भी कहलाते हैं, दे आर नॉन एज लो हेड पंप, वाइल जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं या मिक्स वे पंप्स हैं, उनको मीडियम हेड पंप कहते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो रेडियल टाइप पंप हैं उन्हें हम हाई हेड पंप कहते हैं। इसी प्रकार से हम जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स हैं, जिन्हें हमने दो कैटेगरी में बांटा है, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप, इनका उपयोग बहुत हाई प्रेशर के लिए किया जाता है। जब भी कभी हमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर
किसी भी लिक्विड को ट्रांसफर करना हो तो जहां पर हेड ज्यादा हो वहां पर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का उपयोग करते हैं, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं और रोटरी पंप्स होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप को बात करें तो फिर ये तीन प्रकार की होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पिस्टन पंप, प्लंजर पंप और डायफ्राम पंप, जो कि रोटरी पंप भी तीन प्रकार के होते हैं, गियर पंप, स्क्रू पंप और वैन पंप। हम यदि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात करें तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का जो बेसिक ऑपरेटिव सिस्टम है, हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के पंप जो होते हैं ये लिक्विड पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसके लिए इनमें रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन का उपयोग किया जाता है या रोटरी मेंबर का उपयोग किया जाता है। तो इन प्रिंसिपल्स को काम में लेते हुए इस प्रकार के जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं ये डायरेक्टली लिक्विड के ऊपर प्रेशर इम्पोज करते हैं, जिससे लिक्विड की प्रेशर एनर्जी बढ़ती है और इसे हम हाई हेड पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के यूजेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट कैन हैंडल शेयर सेंसिटिव लिक्विड्स, इट कैन हैंडल, कैन बी यूज फॉर वेरी हाई प्रेशर एप्लीकेशंस, एंड जहां पर भी वेरिएबल विस्कोसिटी हो, जहां पर लिक्विड की विस्कोसिटी टाइम के साथ या प्रेशर के साथ बदल रही हो, तो वेरिएबल विस्कोसिटी एप्लीकेशंस के लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, या हम यूँ कहें कि इसमें आउटपुट बिल्कुल ही पॉजिटिव होता है। इस कारण से ऐसे लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी वेरिएबल होती है, उन लिक्विड्स को लो हेड से हाई हेड पर ट्रांसफर करने के लिए हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने पहले क्लासिफिकेशन में देखा था कि हम इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। ये एक सिंपल डायग्राम दिखाया गया है जिसमें जो हाइड्रोलिक पंप है ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो मैकेनिकल पावर को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर एक सिंपल लाइन डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है जिसमें एक इनलेट साइड है, एक आउटलेट साइड है, इसके बीच में एक रेसिप्रोकेटिंग पंप को दिखाया गया है जिसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है। जिस प्रकार से हम ऑटोमोबाइल में इंजन की बात करते हैं, जहाँ पर सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है और पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम कनेक्टिंग रोड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि इंजन के केस में हमें आउटपुट के रूप में रोटरी मोशन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहाँ पर हम जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसके माध्यम से पहले रेसिप्रोकेटिंग पावर जनरेट करते हैं और उस रेसिप्रोकेटिंग पावर को हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम प्रेशर हेड जनरेट करना चाहते हैं, इसके लिए हम एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का उपयोग करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनलेट साइड और आउटलेट साइड में दो वाल्व लगे हुए हैं जिन्हें चेक वाल्व कहते हैं। इनलेट साइड के वाल्व को हम सक्शन वाल्व कहते हैं, जबकि आउटलेट साइड के वाल्व को हम डिलीवरी वाल्व कहते हैं। इनलेट साइड से जैसे ही पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है इनसाइड से आउटसाइड की ओर, तो उस समय इनसाइड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। प्रेशर कम होने के कारण इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और सक्शन पाइप से जो भी लिक्विड है, इट में भी वाटर एनी अदर लिक्विड, वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर जब वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण थोड़ी देर बाद ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। इस अवस्था में इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों बंद होते हैं और जो पिस्टन होता है वो बिल्कुल आउटवर्ड पोजिशन पर होता है। अब पिस्टन वापस आउटवर्ड से इनवर्ट मूवमेंट शुरू करता है। जब पिस्टन आउटवर्ड से इनवर्ट मूवमेंट शुरू करता है तो अंदर का वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने से इनसाइड का प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के कारण आउटलेट साइड पर जो चेक वाल्व लगा हुआ है, जिसे हम डिलीवरी वाल्व कहते हैं, वो डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है और डिलीवरी वाल्व के ओपन होने से प्रेशर के साथ जो लिक्विड है वो डिस्चार्ज लाइन में चला जाता है और जहाँ हमारी नीड होती है वहाँ पर हम उस लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं, इट मे बी वाटर और एनी अदर लिक्विड। एक सिंपल डायग्राम है जिसके माध्यम से हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग को समझ सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स और इनका उपयोग हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक सिंपल डायग्राम है जिसमें जो हम अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो एक वाटर, जिसे हम सम्प भी कह सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास पानी अवेलेबल होगा, ये कोई नदी हो सकती है, कोई वाटर टैंक हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है जहाँ पर हमारे पास वाटर अवेलेबल है। उसके ऊपर सक्शन पाइप दिखाया गया है। सक्शन पाइप से ऊपर जो एक ब्लैक लाइन दिख रही है जहाँ एरो बना हुआ है, ये सक्शन वाल्व कहलाता है। इसके साइड में एयर वेसल लगी हुई है
क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर एक प्रकार का इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, जबकि यदि हम एयर की बात करें तो एयर एक प्रकार का कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब यह है कि जब इस प्रकार के फ्लूइड को कंप्रेस किया जाता है तो इसकी डेंसिटी में वेरिएशन नहीं आता और ऐसी अवस्था में इससे कंप्रेस किया जाना संभव नहीं होता। जबकि जो एयर है इज कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है कि जब इसको कंप्रेस किया जाता है तो इससे इसकी डेंसिटी बदल जाती है और डेंसिटी बदलने के कारण इसका जो प्रेशर जनरेशन होता है वो कम हो जाता है। तो चूंकि जब हम कभी भी वाटर को या किसी भी लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल पर लेके जाते हैं, लो हेड से हाई हेड की और सप्लाई करते हैं, तो ऐसी अवस्था में यदि सिस्टम में कहीं से भी कोई भी एयर सिस्टम में एंटर कर जाती है तो चूंकि एयर एक प्रकार का कंप्रेसिबल फ्लूइड है जबकि वाटर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो यदि वाटर के बीच में कहीं भी कोई एयर पॉकेट बन जाता है, एयर पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उससे जब हम वाटर को लो हेड से हेड पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो एयर चूंकि कंप्रेसिबल होती है इसलिए वो कंप्रेस हो जाती है और इस कारण से प्रॉपर हेड जनरेट नहीं हो पाता। तो ऐसी अवस्था में अगर सिस्टम में कहीं से भी एयर एंटर कर जाती है तो उस एयर को निकाला जाना जरूरी होता है और उसके लिए सक्शन साइड और डिलीवरी साइड दोनों में एयर वेसल लगाई जाती है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। सक्शन साइड में भी एयर वेसल लगा हुआ है और डिस्चार्ज साइड में भी एयर वेसल लगा हुआ है। यहाँ पर जो सक्शन वाल्व दिखाया गया है ये सक्शन लाइन में लगा होता है और डिलीवरी वाल्व को डिलीवरी लाइन में लगाया जाता है, डिलीवरी पाइप में लगाया जाता है। तो सिंपल डायग्राम के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि जैसे ही हम क्रैंक को यहाँ पर रोटरी मोशन देते हैं, क्रैंक को रोटरी मोशन देते ही यहाँ पर क्रैंक को एक सर्किल की सहायता से दिखाया गया है, क्रैंक के साथ कनेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट किया गया है। कनेक्टिंग शाफ्ट का एक एंड क्रैंक से कनेक्टेड है और दूसरा एंड पिस्टन से कनेक्टेड है। पिस्टन को यहाँ पर हैचिंग लाइन के माध्यम से एक रेक्टेंगल की तरह दिखाया गया है और उसके साथ सिलेंडर भी शो किया गया है। तो जैसे ही हम क्रैंक को रोटरी मोशन देते हैं, इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, तो क्रैंक रोटेट करने लगती है। क्रैंक के रोटेट करने से क्रैंक का मोशन कनेक्टिंग रोड को ट्रांसफर होता है। कनेक्टिंग रोड यहाँ पर ऑसिलेटिंग मोशन करती है जिससे कि यह कनेक्टिंग रोड क्रैंक के रोटरी मोशन को स्वयं के ऑसिलेटिंग मोशन के माध्यम से पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देती है। पिस्टन रोड के माध्यम से पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन आरंभ हो जाता है। जब पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन आरंभ होता है तो पिस्टन सबसे पहले इनसाइड से आउटसाइड की ओर मूव करता है। जैसे ही पिस्टन इनसाइड से आउटसाइड की ओर मूव करता है तो सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ईच। वी कैन से PV इक्वल टू कांस्टेंट और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो जैसे ही सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ते ही अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है जब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है, जिसे हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। इस अवस्था में सक्शन पाइप के माध्यम से वाटर, जहाँ भी सम्प है, जहाँ वाटर अवेलेबल है, वहाँ सम्प से सक्शन पाइप के माध्यम से पानी सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब वाटर या किसी भी लिक्विड के माध्यम से सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम भर जाता है तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर बढ़ने के कारण सक्शन वाल्व बंद हो जाता है और सक्शन पाइप से डिलीवरी बंद हो जाती है। अब पिस्टन वापस आउटवर्ड साइड से इनवर्ट साइड में मूव करता है, इसको हम डिलीवरी स्ट्रोक कहते हैं। इसके दौरान जब पिस्टन आउटवर्ड से इनवर्ट की ओर मूव करता है तो सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम कम होने लगता है। वॉल्यूम कम होने पर प्रेशर बढ़ने लगता है, बिकॉज पीवी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट और पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो जब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जिससे में डिलीवरी वाल्व खुल जाता है और डिलीवरी वाल्व के खुलने से जो प्रेशर वाला लिक्विड है, जिसका प्रेशर ज़्यादा है, वो लिक्विड डिलीवरी वाल्व के ओपन होते ही डिलीवरी पाइप के माध्यम से एक पर्टिकुलर हेड पर पहुंच जाता है, जहां पर इसको कलेक्टिंग टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार इसको उपयोग कर लिया जाता है। तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप की सिंपल वर्किंग के बारे में हमने चर्चा की। ये एक वो लाइट डायग्राम है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, जिसमें डिफरेंट हेड्स को भी शो किया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सम्प लेवल दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, सम्प लेवल से ऊपर सक्शन पाइप लगा है, सक्शन पाइप से ऊपर सक्शन वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है, पिस्टन रोड को कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्टिंग रोड क्रैंक से कनेक्टेड होती है, क्रैंक का मोशन रोटरी मोशन होता है, कनेक्टिंग रोड का मोशन ऑसिलेटिंग मोशन होता है, जबकि पिस्टन का मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्रैंक को इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से इससे रोटरी मोशन देते हैं और इसका रोटरी मोशन जो है वो पिस्टन के
रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। पिस्टन से ऊपर यहाँ पर डिलीवरी वाल्व दिखाया गया है, ऊपर डिलीवरी पाइप दिखाया है। डिलीवरी पाइप से बाहर आने वाला जो वॉल्यूम है, डिस्चार्ज है, उससे हम किसी भी टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं और नीड के हिसाब से हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पर दो हेड्स दिखाए गए हैं, एक हेड को हम HS से नोट करते हैं, दूसरे को SD से नोट करते हैं। HS का मतलब है सक्शन हेड और SD का मतलब है डिलीवरी हेड। तो सम्प लेवल से और सिलेंडर के सेंटर तक यदि हम बात करें तो इसे हम सक्शन हेड कहते हैं, जबकि सिलेंडर के सेंटर से और डिलीवरी पाइप के जहाँ से डिलीवरी होनी है वहाँ के सेंटर तक का जो हेड है इसे डिलीवरी हेड कहते हैं। सक्शन हेड डिलीवरी हेड का जो टोटल होता है ये टोटल हेड कहलाता है। इस डायग्राम में वापस रेसिप्रोकेटिंग पंप को एलिब्रेट किया गया है और सक्शन हेड और डिलीवरी हेड को यहाँ पर शो किया गया है। अब यदि हम हाइड्रोलिक पंप की बात करें तो दे आर नॉन एज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और इनके माध्यम से फ्लूइड को लो हेड से हाई हेड पर ट्रांसफर किया जाता है। अब यदि हम पंप्स को ड्राइव करने की बात करेंगे, किस तरह से इनको चलाया जा सकता है, तो ये मोटर ड्रिवन पंप हो सकते हैं और मैनुअली भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है। जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं ये स्पेशली यूजफुल होते हैं क्योंकि इनके द्वारा इनफाइनाइट लेवल तक एडजस्टमेंट किया जा सकता है, इनकी स्पीड रेंज को चेंज किया जा सकता है और RPM को आवश्यकता के हिसाब से कॉन्स्टेंट भी किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यदि हाइड्रोलिक पंप की हम बात करें तो इनमें एक्सियल पिस्टन पंप, रेडियल पिस्टन पंप, रोटरी वैन पंप, एक्सटर्नल गियर पंप और इंटरनल गियर पंप होते हैं। पंप जो होते हैं ये फ्लो प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि जो प्रेशर की यदि हम बात करें तो प्रेशर इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम पंप का उपयोग कर सकते हैं। जो सेंट्रिफ्यूगल पंप्स होते हैं ये ब्लॉक्ड डिस्चार्ज के अगेंस्ट में काम करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं किया जा सकता है, जबकि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं ये ब्लॉक डिस्चार्ज के अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं। अब हम केवल रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो दे आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिन्हें हम सिंपली रेसिप्रोकेटिंग पंप भी कह सकते हैं, और ये फ्लूइड को डिस्प्लेस करते हैं। इनमें फ्लूइड का डिस्प्लेसिंग अरेंजमेंट होता है और रेसिप्रोकेशन सिस्टम के माध्यम से फ्लूइड के प्रेशर को इसमें इंक्रीज किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप पार्ट्स का जो मोशन है उससे कैविटी में, हम ये कहें कि जो कैविटी और जो चैम्बर होता है उसके अंदर प्रेशर का वेरिएशन होता है, और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट के रिलेटिव मोशन के कारण जो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है उसके माध्यम से किसी भी लिक्विड को लो हेड से हाई हेड की ओर ट्रांसफर किया जाता है। दो तरह के वाल्व इसमें लगे होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, दूसरा आउटलेट वाल्व होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप की हम वर्किंग की बात करें तो इसमें जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन और डायफ्राम जब बैकवर्ड मोशन में मूव करता है तो कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इनसाइड का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे इनलेट वाल्व खुल जाता है और लिक्विड जो होता है वो सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाता है। जब तक सप्लाई साइड और चैम्बर के बीच का प्रेशर डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता तब तक ये लिक्विड्स के अंदर आता रहता है। जैसे सप्लाई साइड और चैम्बर के बीच का डिफरेंस प्रेशर जीरो होता है उसमें लिक्विड का आना बंद हो जाता है। इसके पश्चात जो पिस्टन होता है या डायफ्राम होता है वो फॉरवर्ड मोशन में मूव करता है और जिससे सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर के बढ़ते ही आउटलेट वाल्व खुल जाता है और जो सिलेंडर के अंदर या चैम्बर के अंदर जो लिक्विड है वो प्रेशर के साथ डिलीवरी पाइप के माध्यम से ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है। यहाँ पर जो रेसिप्रोकेटिंग शब्द काम में लिया गया है इसका मतलब है बैक एंड फोर्थ मोशन, क्योंकि सिलेंडर के अंदर पिस्टन का जो मोशन होता है वो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, जिसे अपन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स की तरह जो रोटरी पंप्स होते हैं ये पॉजिटिव प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के पंप, जो रोटरी पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं, इनमें हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स का उपयोग करके और लिक्विड को लो हेड से हाई हेड की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल का ब्रेक सिस्टम होता है उसका मास्टर सिलेंडर काम करता है, उसी प्रकार से एक सिंपल रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है। यहाँ पर कई प्रकार के पावर ऑपरेटेड पंप्स होते हैं, जैसे रेडियल पिस्टन पंप, एक्सियल पंप, और इन्हें हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के रूप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप के यदि हम टाइप्स की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड डबल एक्टिंग
एयर एंड स्टीम पंप्स। यहां पर हम केवल दो प्रकार के पंप की बात करेंगे, सिंगल एक्टिंग एक्सीवेटिंग पंप और डबल एक्टिंग एक्सीवेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग एक्सीवेटिंग पंप की हम बात करें तो इस प्रकार के पंप में एक सक्शन वाल्व होता है और एक ही डिस्चार्ज वाल्व होता है, जिससे कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर एक ही बार सक्शन स्ट्रोक होता है और एक बार डिस्चार्ज स्ट्रोक होता है। जब पिस्टन बैकवर्ड एक्शन में मूव करता है तो सक्शन होता है, और जब फॉरवर्ड एक्शन में मूव करता है तो डिलीवरी वाल्व खुलता है और डिस्चार्ज हो जाता है। यदि हम डबल एक्टिंग एक्सीक्यूटिंग पंप की बात करें तो इस प्रकार के एक्सीक्यूटिंग पंप में दो सक्शन और दो डिलीवरी वाल्व होते हैं। तो जब पिस्टन फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन में मूव करता है तो प्रत्येक स्ट्रोक के दौरान सक्शन और एक्सप्रेशन कंटिन्यूसली होता है, और इसे हम यूँ कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम कंटिन्यूस हेड जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि लिक्विड का कंटिन्यूस फ्लो हो सकता है और लिक्विड को लो हेड से हाई हेड पर ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रकार के जो डबल एक्टिंग एक्सीवेटिंग पंप है, इसमें दो सक्शन पाइप और दो डिलीवरी पाइप होते हैं। इसी प्रकार से दो सक्शन वाल्व और दो डिलीवरी वाल्व होते हैं। इनका उपयोग जहां पर हाई हेड ट्रांसफर करना हो वहां पर जनरली किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसकी जो डिफरेंट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले पिस्टन और प्लंजर या डायफ्राम हो सकता है। इस प्रकार के जो पार्ट होते हैं, इनका बेसिक फंक्शन होता है कि ये सिलेंडर के अंदर मूव करते हैं। जो पिस्टन होता है, इस ये एक प्रकार की लुब्रिकेटिंग स्लाइडिंग शाफ्ट के रूप में होता है जो सिलेंडर के अंदर मूव करता है और लिक्विड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, जिससे कि एक कैविटी क्रिएट हो जाती है जहां पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, और हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण इसके माध्यम से लिक्विड को ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा कंपोनेंट की हम बात करें तो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड होता है। क्रैंक जो होती है एक सर्कुलर डिस्क के रूप में होती है जो मोटर से जुड़ी हुई होती है, और इसका काम रोटरी मोशन को पिस्टन तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए एक कनेक्टिंग रोड लगी होती है, और कनेक्टिंग रोड जो होती है वो क्रैंक के रोटरी मोशन को पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग ऑप्शन में कन्वर्ट करती है। फिर इसमें एक सक्शन पाइप लगा होता है जिसमें सम्प से लिक्विड फ्लो करता है और सिलेंडर के अंदर तक पहुंचता है। इस पाइप की एक साइड जो होती है वो लिक्विड के अंदर डुबई हुई होती है, इमर्स की हुई होती है, और दूसरी साइड को सिलेंडर से कनेक्ट किया हुआ होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की हम बात करते हैं, डिलीवरी पाइप होता है जो एक आउटलेट पाइप के रूप में होता है, जिसका एक एंड सिलेंडर से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड डिस्चार्ज साइड पर या आउटलेट साइड पर होता है। इसके अलावा इसमें सक्शन और डिलीवरी वाल्व लगे होते हैं जिनका उपयोग रेट ऑफ फ्लो को एडजस्ट करना कहता है। सक्शन साइड और डिस्चार्ज साइड के पॉइंट पर हम रेट ऑफ फ्लो को सक्शन डिलीवरी वाल्व के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप के हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज होता है हाई प्रेशर एंड लो फ्लो एप्लीकेशंस। जहां पर डिस्चार्ज की कम आवश्यकता हो लेकिन हाई प्रेशर की जरूरत हो, हाई एयर तक लिक्विड ट्रांसफर करना हो, तो लो फ्लो रेट और हाई प्रेशर के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप का उपयोग बहुत ही एडवांटेजेस होता है, जिसके माध्यम से हम 10,000 PSI प्रेशर तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ये एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग हम पूरे रिलायबिलिटी के साथ कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी की हम बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं इनका उपयोग चूंकि कई जगह एब्रेसिव और कोरोसिव एनवायरनमेंट में किया जाता है, वहां पर भी ये पूरी ड्यूरेबिलिटी के साथ काम करते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। फ्लूइड एंड्स और फ्लूइड एंड पार्ट्स जो हैं उनको हम डिफरेंट मटेरियल से बना सकते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, टंगस्टन कार्बाइड, सिरेमिक, इससे इनको बना सकते हैं। और चूंकि ये ड्यूरेबल होते हैं या मोस्ट वर्स्ट कंडीशन में काम कर सकते हैं, जहाँ पर एब्रेसिव और एनवायरमेंट में काम कर सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे सीमेंट, सैंड, स्लरी और मड आदि को लो हेड से हाई हेड पर ट्रांसफर करने के लिए हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का उपयोग करते हैं। यदि हम एफिशिएंसी की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप बहुत हायर एफिशिएंसी पर काम करते हैं, और इनकी यदि डिजाइन प्रॉपर डिजाइन की जाए तो इनकी एफिशिएंसी 90% तक हो सकती है। वो फैक्टर्स जो रेसिप्रोकेटिंग पंप की एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं, उन्हें सबसे पहला फैक्टर है ब्रेक हॉर्स पावर, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इनपुट शाफ्ट को कितनी पावर की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम एक डिजायर्ड प्रेशर जनरेट कर सके। दूसरा, कैपेसिटी की हम बात कर सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो है पर यूनिट टाइम में, तो डिलीवरी पाइप तक टोटल यूनिट फ्लो ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम विल अफेक्ट दी एफिशिएंसी ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। स्लिप एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में, क्योंकि जहां स्लिप होता है वहां पर पावर का या एफिशिएंसी का लॉस होता है। तो परसेंटेज स्लिप जो है सक्शन कैपेसिटी को
के रूप में उसकी हम बात करते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। वैसे तो इन पंप की एफिशिएंसी 90% या 95% तक होती है, जो पंप के साइज, स्पीड और कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है। प्रेशर, सक्शन और डिसाइज साइड का जो प्रेशर है वो भी पंप की एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो पंप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी रेसिप्रोकेटिंग पंप की एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप से जो कितना डिस्चार्ज हो सकता है इसकी हम बात करें तो यहाँ पर हम उसके डिस्चार्ज को सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिलेंडर का डायमीटर डी है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो पिस्टन और सिलेंडर का है वो ए है, क्रैंक की रेडियस आर है, क्रैंक के आरपीएम एन है और लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है ये 2 × रेडियस के बराबर होगी। यदि एच एस सक्शन हेड है, सम्प से लेकर के और सिलेंडर हेड के सिलेंडर के सेंटर तक का हेड है, एच डी डिलीवरी हेड जो सिलेंडर के सेंटर हेड से लेके और आउटलेट डिलीवरी तक का हेड होता है, तो इसके बिहार पर जो डिस्चार्ज होगा एक रिलेशन के अंदर दैट विल बी इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक विल बी इक्वल टू ए इंटू एयर। यदि पर सेकंड रिवोल्यूशन की हम बात करें तो ये एन अपॉन 60 होंगे, चूंकि एन यहाँ पर आरपीएम है, तो उससे जो पंप का टोटल डिस्चार्ज पर सेकंड होगा दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू एल इंटू एन डिवाइडेड बाई 60 m³/s। तो इस सिंपल फॉर्मूले से हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि हम डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में 2 डिस्चार्ज पाइप होते हैं, 2 सक्शन पाइप होते हैं, 2 डिस्चार्ज वाल्व होते हैं, 2 सक्शन वाल्व होते हैं। तो इस डबल एक्टिंग पंप में जो वाटर है ये दोनों साइड में काम करता है और इसमें इसीलिए 2 सक्शन पाइप और 2 डिलीवरी पाइप की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी एक साइड में सक्शन स्ट्रोक होता है तो दूसरी साइड में डिलीवरी स्ट्रोक होता है, जिससे कंप्लीट रिवोल्यूशन में हमें 2 डिलीवरी स्ट्रोक और 2 सक्शन स्ट्रोक हो जाते हैं। और यूं कहें कि हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन क्रैंक के कंप्लीट रिवोल्यूशन में हमें 2 डिलीवरी स्ट्रोक मिलते हैं, जिससे इससे मिलने वाला डिस्चार्ज लगभग डबल हो जाता है। ये डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के डिस्चार्ज का सिंपल फॉर्मूला है। जैसे कि हमने सिंगल एक्टिंग पंप के लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर ये फॉर्मूला ट्वाइस ए एल एन अपॉन 60 हो जाएगा, जबकि सिंगल एक्टिंग के केस में ये ए इंटू एल इंटू एन इंटू 60 के बराबर था। और यहाँ पर हम वर्क डन पर सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू रो जी क्यू इंटू एच एस प्लस एस टी। रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए हम स्लिप की बात करें तो स्लिप को हम डिफाइन करते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द पंप, और इसे हम सिंपल लिख सकते हैं स्लिप विल बी इक्वल टू क्यू थियोरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। यदि हम इसको परसेंटेज के में डिफाइन करें तो इट विल बी इक्वल टू क्यू थियोरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल इंटू 100, क्योंकि जो क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल है ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बराबर होता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को सिंपली ले सकते हैं 1 − CD × 100। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप के स्लिप के बराबर होगा, इसे परसेंटेज में इंडिकेट किया जाता है। यदि हम एक इंडिकेटर डायग्राम की बात करें तो एक साइकिल के दौरान सिलेंडर का जो प्रेशर वेरिएशन होता है, क्रैंक के एक रिवोल्यूशन में सिलेंडर के अंदर जितना भी प्रेशर वेरिएशन होता है उसे हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। इसके वर्टिकल एक्सिस पर प्रेशर हेड होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम स्ट्रोक लेंथ को शो करते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है ये डायग्राम एक प्रकार का आइडियल इंडिकेटर डायग्राम है, जिसमें क्रैंक के एक रिवोल्यूशन में सिलेंडर के अंदर होने वाले प्रेशर वेरिएशन को शो किया गया है। यहाँ पर पॉइंट वन या पॉइंट ए की बात करें तो ये पिस्टन की वो पोजीशन बता रहा है जहाँ पर वो सक्शन स्ट्रोक के लिए मूव करना शुरू करता है। 1-2 सक्शन स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के दौरान आउटलेट से इनलेट की ओर मूव करता है। पॉइंट 3 या पॉइंट सी की बात करें तो ये यहाँ पर पिस्टन के डिलीवरी साइड को दिखा रहा है या डिलीवरी स्ट्रोक को दिखा रहा है, जिसमें पिस्टन डिलीवरी स्ट्रोक के लिए मूव करना शुरू करता है। 3-4 के दौरान डिलीवरी स्ट्रोक को दिखाया जाता है जो सीडी से रिप्रेजेंट किया गया है, और इस दौरान जो प्रेशर है दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। इस इंडिकेटर डायग्राम का जो टोटल एरिया है ये क्रैंक के एक रिवोल्यूशन में होने वाले वर्क को रिप्रेजेंट करता है, इट विल बी इक्वल टू रोजी क्यू इंटू एच एस प्लस एच डी, और वी कैन राइट रोजी क्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल इंटू ए इंटू एन, तो इट विल बी इक्वल टू रोजी इंटू एल इंटू ए इंटू एन इंटू एच एस प्लस एच डी डिवाइडेड बाई 60। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।